नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो A1 पंजाबी चैनल। प्रोग्राम करंट इशूज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता ही है, ज़्यादातर असी लोकां नाल जुड़े हुए समाजिक मसलों ते ही गलबात ज़्यादातर करते हाँ। अज एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि अकाली दल और BSP दा जिहड़ा है वह गठजोड़ हो सकता है, लेकिन हाले तक सिर्फ खबर ही ने, फाइनल कुछ नहीं होया। किस तरह की ये खबर है, की गलबात BSP और अकाली दल विच हुई है, ये बारे ज़्यादा जानकारी लैन लई मेरे नाल मौजूद ने फोन लाइन ते साडे लुधियाणा तो रिपोर्टर कमल कपूर जी। कमल जी, तुहाडा स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। कमल कपूर जी, जिवें कि आपां नूं पता ही है कि 22 दीआं चोणां नज़दीक ने और हर पार्टी वास्ते हुण जिहड़ियां मुश्किलात ने बहुत वधियां होईयां ने कि किस तरीके नाल जिहड़ा है ताज हासिल करना है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी है, चाहे वह आम आदमी पार्टी है, अकाली दल, BJP। और हुण किते ना किते जिहड़ी इह गल सामने आ रही है कि हो सकदा आने वाले टाइम दे विच BSP और अकाली दल का गठजोड़ हो जाए। जी जी बिल्कुल। देखो, श्रोमणी अकाली दल की अगर गल की जाए तो जदों का किसानी मुद्दा जिहड़ा हैगा उठा, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल लगातार जिहड़ा अपनी ही भाईवाल पार्टी जिहड़ी सी BJP उहदे ते हमलावर हुंदा रहा, और हुण उहनां दे नाल जिहड़ा BJP का जिहड़ा गठबंधन अगर दोबारा जोड़िया जाने की जिहड़ी गुंजाइश है वह बहुत घट है। उहदे पिछे कई मुद्दे ने, चाहे आपां लै लईए कि सुखबीर बादल खुद और हरसिमरत कौर बादल जिन्हां ने इस्तीफे दिते है सदन तो, उहनां दा हुण BJP नाल गठबंधन जिहड़ा है वह इन्ना आसान नहीं है। दूसरी वड्डी गल जिहड़ी 2022 दे विच आपां सोचदे हैगे आ, क्योंकि BJP नाल गठबंधन हो नहीं सकदा, आम आदमी पार्टी अगर ऑप्शन लैके चलीए तां आम आदमी पार्टी नाल भी जिहड़ी अकाली दल दा किसी भी तरह दा कोई गठबंधन जिहड़ा है सामने नहीं आ सकदा। दूसरी सब तो बड़ी गल है, जदों दा बैवल कला दा जिहड़ा इह कांड हैगा, कोटकपुरा गोली कांड है, उहदे विच अकाली दल किते ना किते बैकफुट ते है। उहदा जिहड़ा आधार है पिंडां दे अंदर, मैं खासकर गल करां किसानी मुद्दे नूं लैके बेअदमी कांड नूं लैके, उहदे विच दोनों ते ही बैकफुट ते है। हुण उहनां नूं गठबंधन लई अगर कोई रस्ता दिखदा है या पार्टी दिखदी है तो वह BSP। उहदे पिछे पूरी सब कई लॉजिक ने, उह समय आपां अगर सियासी तौर ते समझीए तां पंजाब दे अंदर अगर गल करिए तां बहुत सारियां जिहड़ियां पार्टियां ने उहनां दी नज़र जिहड़ी हैगी है SC BC बोर्ड दे उपर लगी हुई है। उहदे पिछे कारण की है, उहदे पिछे कारण है कि पंजाब दे अंदर बहुत वड्डा वोट बैंक जिहड़ा है और दलित भाईचारे का, उस दलित भाईचारे की अगर वोट हासिल करनी है तो BSP नाल गठबंधन किते ना किते श्रोमणी अकाली दल नूं फायदे दा सौदा दिखता है, क्योंकि BSP दा आधार बेशक खुद अगर कल्यां दी गल करिए तां इन्ना ज्यादा नहीं है कि वह अपने दम ते पंजाब दे अंदर सरकार किते ना किते। जे कपूर साहब आपां देखिए कि इह जरूरत जिथे अकाली दल की है, हो सकदा BSP की भी जरूरत होवे। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ BSP ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BSP ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ BSP ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ BSP ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ BSP ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSP ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 17% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BSP ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ BSP BJP ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, कि जिहड़े चेहरे की गल हमेशा हुंदी है कि फाइनली जिहड़ा है पार्टी नूं एक चेहरा देना पैंदा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दा, इहदे ते किते गलबात होएगी जिवें कि आम गल चल रही है।
देखो आम गल जिहड़ी पिछे जे किन्ना ज्यादा मुद्दा उठा सीगा उह तिन्नां पार्टियां ने जिहड़ा इह मुद्दा चक्किया सीगा कि आउण वाले टाइम दे विच सीएम या डिप्टी सीएम दा जिहड़ा चेहरा हैगा उह दलित भाईचारे चो होएगा। अगर श्रोमणी अकाली दल दा बीएसपी नाल गठबंधन हुंदा है तां लाजमी तौर ते कई वी शर्त रखी जाएगी कि अगर बीएसपी और श्रोमणी अकाली दल दोनों मिलके चुनाव लड़दे ने गठबंधन च लड़दे ने तां हो सकदा बीएसपी दे पार्टी विच उह डिप्टी सीएम और श्रोमणी अकाली दल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जिहड़े ने उह सीएम दा चेहरा बने जी। कपूर साहब गलबात करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। ए सी लुधियाना तो कमल कपूर जी जिन्होंने बड़ी अहम जानकारी साढ़े नाल सांझी की। इस तरह के ही समाजिक मुद्दों लैके असी तुहाड़े रूबरू हुंदे रहांगे। हुण मैनू राजेश पुरी नूं दिओ इजाजत और तुसी देखदे रहो एवन पंजाबी चैनल। नमस्कार जी। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।